अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद नौरीन। हेलो क्या हुआ, क्या कर रही हैं? पकड़ लिया मैंने आपको। मैं तो खुद ही घर पे ही हेयर ड्राई कर लेती हूं, और इसका जो है वो फायदा ही होता है कि आपके एक तो सैलून वगैरह के पैसे बच जाते हैं, दूसरी चीज ये होती है कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। स्पेशली जो है ना वेदर जो है ना, यू नो दैट हमारे कनाडा का वेदर जो है वो कितना ज्यादा ठंडा है, तो ये भी बचत हो जाती है कि बाहर नहीं जाना पड़ता। तो वर्किंग वुमेन है, हमारे पास बहुत ही टाइम कम होता है, तो मैं जो है ना ये करती हूँ, वीकेंड वगैरह पे अपने सारे काम रख लेती हूँ कि मैं इस पे जो है ना ये अपने जो अपनी सेल्फ केयर के काम है ना मैं कर लूँ। तो ये हेयर ड्राई करना है, सीधे सीधे बाजार से एक डब्बा खरीदा कलर का, अच्छे से कलर का जो आपको पसंद है वो कलर खरीदा, उसके बाद उसको हेयर ड्राई कर लिया। अच्छा तो, आप जल्दी से अपना कलर तो दिखाएं, कौन सा कलर लिया आपने? ये भी सीक्रेट है, ये भी सीक्रेट है। भाई इन्होंने मुझे कोई ब्रांडेड, मुझे कोई इन्होंने कहा कि भी मैं इनकी प्रमोशन करूं, बट नहीं, अच्छा कलर है। वैसे आपको जरूरत तो नहीं है लाइक कुछ मुझे, हाँ लेकिन हाँ मैं भी करती हूँ। वो हो चुके हैं, मैंने नहीं किया। ओके ये जो है ना इसमें क्या क्या चीजें मुझे मिली है, मुझे ग्लास मिला है, मुझे जो है यहाँ पे मेरे पास, अच्छा ये इंस्ट्रक्शन भी है, ये इंस्ट्रक्शन भी मिली हुई है, ग्लव्स हैं, इसमें जो है हेयर कंडीशनर भी मौजूद है, और हेयर कंडीशनर भी, हेयर कंडीशनर इधर है, इधर देखिए दोनों चीजें अलग, और ये मेरे पास ऑलरेडी जो है मौजूद है। इन दोनों को मैं जो मिक्स करूंगी, तो ये कलर है और इन दोनों को मिक्स करना है। सही, एनीवे आप लोग मुझे भी देख सकते हैं। अच्छा मैं भी अपना अपने कलर जो है वो घर पर ही करती हूँ, मैं करती हूँ कलर। ये वाला कुछ ज्यादा ब्लैक लग रहा है, लेकिन मैं यूजुअली लाइटर शेड्स पे जाती हूँ, या लेकिन मैं हमेशा कलर करती हूँ, लाइक मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं घर पे करती हूँ। बस जिंदगी में मैंने आई थिंक एक बार बाहर करवाया था कलर, लेकिन इजी और बेस्ट, पता है मुझको ऐसा लगता है कि आप अपने हिसाब का प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, ये मैंने सही, और एप्लीकेशन बहुत आसान है। आपको जो है ना ये देखिए मैंने क्या किया है, ये ए बॉटल में मैंने बी जो कलर है, जो कलर उसके अंदर जो है, और पता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में इतना अगर आसानी से बता दिया हुआ होता है ना, ए प्लस बी दैट्स इट। और एक मिनट मैं दिखाती हूँ, दिखाएगा एक मिनट, ये देखें ये इन्होंने लिखा हुआ है ए, एंड वो जो दूसरी वाली है उसमें बी लिखा हुआ था, हाँ बी और उसमें भी लिखा हुआ है ए प्लस बी खुद ही, और अब बस पूरे बालों में लगा के मसाज कर लो। अच्छा इस इट्स बिकॉज आई थिंक अच्छे से मिक्स कर ले, और ये भी है हम लोग, क्योंकि हम लोग कोई कॉम्प्लिकेटेड कलर्स नहीं कर रहे, राइट? ऐसा नहीं कि हम ब्लॉन्ड हो रहे हैं, ब्लीचिंग जरूरत है नहीं, तो क्योंकि ये बहुत हम सिंपल कलरिंग कर रहे हैं, इसलिए ये आप घर पे कर सकते हैं। मैंने जो है ये अक्टूबर में पाकिस्तान जाने से पहले कलर किए। अच्छा तो मेरे इसी तरह से ही है, नाइस। तो व्हाटएवर कलर, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कलर करूंगी। मैं शुरू कर रही हूँ, मैंने ये करना ये है कि अपने बालों को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, और बल्कि दो हिस्सों में करने के बाद फिर इसको आधा आधा कर देंगे, ठीक है? और इसको वैसे तो अगर आपके पास वो है कैचर वगैरह है उनके साथ लगा लगा के आप उसको लगा लगा कर दें, लेकिन इतना मेरे को इतने ज्यादा फैले हुए बाल नहीं है। तो क्या कर रही हैं भाई? मैंने थोड़ी सी ना ये जो वैसलीन है ना वो लगा दूंगी, इससे क्या होगा कि फेस पे कलर नहीं आएगा। यार आई फील लाइक ये अच्छा मैं नहीं करती ये सब, मुझे ऐसा लगता है कि फेस पे अगर आता भी है ना तो फौरन आप साफ कर दो, या पता है लेकिन मैं क्यों वैसलीन का चक्कर नहीं लगाती कि हाथ पे ना लग जाए या बालों में ना लग जाए मेरी, तो एनीवे ग्लव्स पहन लिए, चले जी अब ये लगा लेते हैं। हो गया गुड, तो ग्लव्स पहने हुए ना जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहीं पे कौन सी चीज डालिए, साथ साथ जो है इसकी लड्डों को भी साथ साथ डालिए। हम्म,
अच्छा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर पे वो करना। यार एग्जैक्टली कितनी देर लगी मुझे कलर बनाने में और फिर कलर करने में। और ना और जो मैंने पहले बोला कि आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट, लाइक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने खुद से खरीदा है ना कलर कुछ नहीं हुआ, जब मैंने कभी बाहर से कराया है ना मेरे हमेशा बहुत डैमेज हो जाते हैं बाल। तो मुझे ना अब मुझे बाहर का वो ट्रस्ट नहीं है। आई रियली मेरा कुछ मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं, जस्ट हल्का फुल्का कलर ही चाहिए होता है। तो इट्स जस्ट ब्लैक बोरिंग हो जाता है बिल्कुल। सो मम्मी तो कलर कर रही हैं, ये देखें। अच्छा मेरे इसमें नज़र नहीं आ रहे लेकिन ये चेस्टनट है, लाइट ब्राउन टाइप का कलर है, कैसा लग रहा है बताएं। अच्छा ये मेरी अम्मी मुझे प्रमोट भी नहीं करती हैं, तो ये एक मेरा चैनल है लेजी मॉम 101, आप उस पे मुझे देख सकते हैं। मैंने भी अपने बाल अभी कलर किए थे, मैंने भी छोटी सी वीडियो बनाई है। मेरी अम्मी से तो अच्छी ही है ये भी एक अलग टॉपिक है, ये भी एक अलग टॉपिक है। ओह माय गॉड, ओके नाइस। अच्छा आपके बाल छोटे हैं ना तो ये पूरा आपके लिए इनफ सफिशिएंट रहेगा। आई लाइक दैट। ये जो है मैंने लगा लिए सारे हेयर पे और इसमें ये बताया गया इंस्ट्रक्शन में कि तकरीबन मुझे 30 मिनट्स तक इसको लगा के रखना है। तो अब मैं ये इसको 30 मिनट्स तक लगा के रखूंगी, ठीक है। ये सारा मेरे जो है वो बालों को हो गया और मैंने ये चले ठीक है। तो अभी मिलते हैं, मैं जब इसको हटा दूंगी शावर ले लूंगी तो मैं आपको रिजल्ट। ऑल राइट चले फिर हम 35 मिनट्स बाद मिलते हैं। बाय। अच्छा देखिए मैंने शावर ले लिया है, ये मेरे बालों का कलर आया है ये देखिए। और ये नहीं कि मैंने जो कलर किया था वो कोई रेडिश सा कलर था, डार्क ब्राउन, तो वो ये कोई मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा कोई कलर दिखा रहे हों, क्योंकि ऑलरेडी जब आपके बाल ब्लैक होते हैं तो उसमें कोई कलर कर रहे तो ज़्यादा नहीं आता है, तो ये जो है एक फ्रेशनेस ही आ जाती है। ये देखिए जो बालों का कलर है ये, ठीक है। घर में रह के कलर कितनी आसानी से हो जाता है, ना आपको बाहर जाना पड़ा और आपने जिस इसको कलर किया और बहुत ही आसानी से आपने अपने हेयर को जो है डाई कर लिया है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।